राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे और आपके अपने ही चैनल रेखा गुज्जर फैमिली ब्लॉग चैनल पर स्वागत है दोस्तों। तो बात मैं यहीं पे करूंगी बैठ के, शायद कोई आ गया है, शायद कोई आ गया है। तो टाइम हो रहा है, इस टाइम पे 10 बज रहे हैं और काम मेरा पूरा फिनिश हो गया है। मेरा जैसे कि एक ब्लॉग मेरा कंप्लीट हो गया, मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो आज का शुरू होगा, मतलब जो भी आज जो मैंने बनाया है। और आज है ना, मैं एक बहन को देख रही थी कि हमारे यहाँ तो मूंजी बोलते हैं, कुछ जीरी बोलते हैं, जैसे कि उस दिन बताया था। तो मुझे एक बात याद आ गई, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। ऐसे तो बहुत सारी कॉमेडी है मेरे पास। तो जैसे बहन बोलती है ना कि तुम बहुत, मतलब बहुत कॉमेडी करती हो, जैसे जो मुझे जानती है। तो हाँ, रियल में तो मैं कभी कभी कर लेती हूँ जब कहीं मेरे जैसे बंदे मिलते हैं, तो थोड़ी बहुत हो जाती है हंसी मजाक जहाँ सहने वाले मिलते हैं। तो उन सबको बताऊंगी कि जब जीरी का होता है ना, कि जीरी मैं उन्हें देख रही थी, तो वो जो मूंजी में से, मतलब चावलों में से जो वो होता है ना, कबाड़ बोलते हैं, तो वो खा रही थी। मतलब जैसे कि समा के चावल वो सब निकाल देते हैं। तो जब मेरी शादी हुई तो मेरे मायके में, मायके वाले भी देखते हैं वीडियो, ससुराल वाले भी, तो मेरे मायके में नहीं होती थी मूंजी वगैरह, और मतलब चावल की खेती नहीं होती थी। अब तो खैर गांव भी हमारा खेत वाला नहीं रहा, लेकिन उस टाइम पे हमारा था। तो है ना, जब मेरी सासू माँ मुझे पहली बार ले गई शादी के, एक साल ही हुआ था, शायद एक साल भी ना हुआ हो, 6-7 महीने नहीं, एक साल हो गया था। तो मुझे लेके गई खेत में कि चल मूंजी। तो मैंने ना आधे से ज्यादा मूंजी उपाड़ दी, वो मतलब समा के चावलों का और उनका सेम सेम होता था। मुझे वो याद आ गई आज, और मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूं। ऐसी बहुत उल्टी सीधी, मम्मी ने जब मतलब बहुत सारी उपड़ गई, तो मम्मी ने ना सीधा नहीं कहा मुझे, चाचा बोलते थे हम ससुर को। मैं अपने पापा को भी हम वही बोलते थे, और ससुर को भी मम्मी चाचा और मम्मी, और इसी तरह से जैसे कि मैंने बताया कि ताऊ के बच्चे बोलते हैं जो भी, जैसे भी, जैसे पहले मैं अपनी मम्मी को बोलते हैं कि मामी बोलने लगी थी, जैसे कि मेरे बुआ के बच्चे बोलते थे, तो ऐसे हो जाते हैं ना, तो ऐसे बोलते थे। तो मैं यहाँ पे भी वही बोलती थी जो वहाँ। तो चाचा को बुलाया कि देखो इसने क्या कर दिया। तो वहाँ पे ना मैंने बहुत सारा ढेर लगा दिया मूंजी उपाड़ उपाड़ के। तो मुझे वो याद आ रहा था, यार ये कैसे दिख रही है, मतलब कैसे कर पा रही है। मैं तो अब तक भी अगर मुझे कोई ले जाए तो समझ ना पाऊँ कि मूंजी कौन सी और कबाड़ कौन सा है। तो वो देख के ना, अभी अभी मैंने किसी बहन की वीडियो देखी तो वो मुझे याद आ गई, और मैं अभी आप सबके साथ शेयर करूंगी भंडारे की सब्जी रेसिपी। ये छोटी सी ऐसे ही आप सबके सामने कहानी पेश कर दी, क्योंकि मुझे याद आ गया था। ऐसी तो बहुत सारी कॉमेडी याद आती है, लेकिन अब वो बात नहीं रही जो बताते थे और हंसते थे, अब वो बात नहीं रही। टाइम के साथ साथ एक दो बातें मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, क्या कॉमेडी हुआ करती थी हमारे घर में, मायके में, और सब साथ बैठते थे। अब कुछ भी नहीं रहा, अब सब ऐसे ही रह गए। तो आप सबके साथ भंडारे वाली सब्जी शेयर करते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बस वीडियो तो मेरे पास था ये, लेकिन मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी, जैसे कि जो मैंने अभी आपसे बात करी है वो मेरी पहली ही थी वॉइस, और अभी मेरी थोड़ी आज वॉइस मतलब इतना है कि मैं आप सबसे बात कर सकती हूँ। तो आज मैंने कोशिश की है कि आज कुछ अपडेट डाल देते हैं वीडियो, और वीडियो मैं रेगुलर ही करूँगी, क्योंकि घर का भी काम, वीडियो और भी बनाई है मैंने, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी आवाज़ ही ये समझो कि चली ही गई थी 2-3 दिन, बिल्कुल बोलने का हिम्मत ही नहीं थी। मतलब गले में भी इन्फेक्शन हो गया था, गले से बोला ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। तो सब्जी सिंपल ही है, तो नेगेटिविटी नहीं फैलाऊंगी, पॉजिटिविटी बात करते हैं तो चलता ही रहता है, और सभी के साथ है, मौसम चेंज हो रहा है। तो अभी मैंने डाल दिया इसमें टमाटर डाल दिया, सिंपल ही बनाऊंगी, और भंडारे लहसुन प्याज इसमें होता ही नहीं है, जैसे कि आप सबको पता है, लेकिन ये भंडारे के लिए नहीं है, ये सलाद में जो बनाया था। और 3 सलाद हो चुके हैं, ये तो एक तो दादी सास का हुआ था, और फिर ससुर जी का था, और एक दादा ससुर का भी हो चुका है। लेकिन आप सबको बताऊं, वीडियो नहीं बन पाई थी, घर में काम भी चल रहा है, वो भी मैं समेट नहीं पा रही हूँ, पेंट हो रहा है, और तबीयत मेरी ऐसी है कि मैंने एक दिन तो मुझे यही पता नहीं चला कि दिन कब हुआ और रात कब हो गई, पता ही नहीं चला कुछ। तो बस फिर मैं वहीं पहुंच जाती हूँ, क्योंकि अभी मेरा दिमाग है ना वहीं है, अभी तो पूरी तरह ठीक नहीं हूँ, तो कोई बात नहीं, इग्नोर करना, जिसमें बस वो सिंपल ही खाना, और बिल्कुल आप पूड़ियों के साथ आपको भंडारे जैसे ही फीलिंग आएगी। अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो सॉरी, और आवाज़ का भी इग्नोर करना, क्योंकि भैया काम कर रहे हैं, और एडिटिंग मैं इसलिए कर रही हूँ, फिर रात में मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है एडिटिंग करने। मैं कह रही हूँ आज थोड़ा ठीक है कि मैं बोल पा रही हूँ,
और बोलने से मेरे गला अभी तक दुखन नहीं है, मतलब अभी तक ठीक है। तो सब दुआ करो कि मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊँ। तो टमाटर में मैंने पहले नमक डाल दिया है, सॉरी बोलने में भी नमक डाल दिया है। और नमक डालने के बाद दो तीन दिन तो मैंने किसी की वीडियो भी नहीं देखी है, हिम्मत ही नहीं थी मेरी कि यूट्यूब भी खोल सकूँ। और कल जब बहुत इमोशनल होगी तो स्टेटस लगाए थे और बहुत रोई थी। हो जाता है यार, देखो ऐसे तो सभी को होता है, पर कभी कभी हम बहुत कुछ सोच के इमोशनल हो जाते हैं। कोई बात नहीं, ऐसे चलता रहता है। और ये देखिए ये बन चुका है हमारे टमाटर की सब्जी। और ऐसे ना सब पूछ रहे थे जब ऐसे रोना नहीं आया, सबको बता रही थी। और वही डालूंगी सिंपल, ये लहसुन डाल दिया है मैंने, मिर्च और लहसुन और प्याज। क्या स्पेशल डालूंगी वो मैं बता दूंगी अभी आपको, बस वो सिंपल ये धनिया और नमक और मिर्च और हल्दी, बस यही डालती हूँ। और आलू डाल दिए हैं। और अब मैं इसमें स्पेशल, क्योंकि कढ़ाई हिल रही थी, हमारे ना गैस का ही स्टैंड ऐसा ही है, वो फिसलता है। मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन, घुमा हुआ है वो, सीधा नहीं है, इसलिए ऐसे होता है। मैं आपको बताऊँ लक्ष्मी दी की रात मैसेज आया 7:45 बजे, कैसी है वो। मैं कहती हूँ ना बड़ों की थोड़ी अलग होता है, कि उनकी आवाज़ से ही मुझे पहले आंसू आ गए, उसके बाद मैंने बताया हाँ दी ठीक है। मैं रोती रही उनकी आवाज़ से, मतलब जब हम बोल बच्चों को भी आवाज़ ना लगा पाए ना, तो बड़ी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि इमोशनल, कभी कभी इमोशनल अपने आप ही हो जाते हैं। तो नमक डाल दिया है, और बाकी मैं अब इसमें पानी डाल दूंगी। और पता नहीं कॉपीराइट ना आ जाए, किसी का फ़ोन बज रहा है शायद, भैया का है या हाँ जी। तो बन चुकी है मेरी वीडियो, और वीडियो कैसी लगी, वीडियो आगे रेगुलर ही कोशिश करूंगी हर, बस वो आवाज़ ही ना निकले तो अलग बात है, नहीं तो हर मतलब हर हद तक मैं वीडियो पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। इतनी मेहनत मैं अपनी तरफ से करती हूँ, काश यूट्यूब वाले सुन लेते, काश कोई सुन लेता, काश मेरी वीडियो किसी को पसंद आ जाती, काश। कोई बात नहीं। और ये मैंने डाल दिया इसमें मेथी। और जिस तरह से मैं घर के काम में या अपने फैमिली में या किसी में भी हर चीज़ में है ना अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ हर चीज़ में, तो कामयाबी एक दिन ज़रूर मिलेगी। टाइम हर जगह लगता है। तो दोस्तों सब्जी मेरी बनके तैयार हो चुकी है, कैसी लग रही है आप सभी को सब्जी बताना कमेंट करके। और पूड़ियों के साथ लगेगी लाजवाब, अभी बनाऊँगी मैं इसकी पूड़ियाँ।